विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में चैत्र नवरात्रों को लेकर मंदिर को सजाने का काम पूरे जोर शोरों पर शुरू हो गया है। आने वाली 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, जिसके चलते मंदिर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा भी नवरात्रों के लिए मंदिर को रंग बिरंगे फूलों और लाइटों के साथ सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंदिर को सजाने के लिए आए कारीगरों ने बताया कि वर्धमान स्वीट खन्ना के द्वारा सजावट का कार्य पिछले लगभग 15 वर्षों से किया जा रहा है तथा हम ही लोग चैत्र नवरात्रों में 15 वर्षों से मंदिर को सजाने का कार्य कर रहे हैं। मंदिर अधिकारी जगदीश शर्मा ने कहा कि चैत्र के नवरात्र के लिए पंजाब के श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों के साथ सजाया जा रहा है तथा उन्होंने कहा कि वह कामना करते हैं कि इन नवरात्रों के दौरान माता नैना देवी जी मंदिर में आने वाले सब भक्तों और मंदिर प्रशासन पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा कि आपको पता है कि परसों 2 तारीख से 10 तारीख तक माता नैना देवी के मंदिर में चैत्र मेले का मेला यहाँ नैना देवी में मनाया जा रहा है। उसके लिए पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने माता की सेवा में रंगीन लाइटें और ये जो टेंट है इसका लगाना शुरू कर दिया है और मैं माता जी से ये निवेदन करूँगा कि इन सब भक्तजनों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। जय माता दी। खन्ने तो यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? डेकोरेशन के लिए ही। कहाँ से हैं जो ये सजाने का काम कर रहे हैं? ये हम तो वैसे खन्ने से ही। अच्छा, वहाँ पे वर्धमान स्वीट है, उन्होंने हमको भेजा ही। वर्धमान स्वीट? हाँ जी, उन्होंने भेजा है। उनकी हर साल सेवा लगती है नवरात्रे में, हर साल अगर चाहे कहे ना कहे उनकी सेवा लगती है और बुलाते हमको ही है। कम से कम 15 सालों से लगातार हम लेगो लगा रहे हैं।